नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पांडे आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सबको पता है कि एमपीपीएससी क्रैश कोर्स चल रहा है और समय बहुत कम है, लगभग एक महीना बचा हुआ है हमारे पास, मगर फिर भी समय कम होने के बावजूद भी आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोग को फिर से एक बार शुभकामनाएं देता हूं कि आप जैसी भी तैयारी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें, ठीक है ना। खूब मेहनत कीजिए ताकि आपकी जो सफलता, आपने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया उसको आप हासिल कर सकें। इसी को लेकर के मैं आज आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके सब्जेक्ट में दिया हुआ है, वैसे अगर एमपीपीएससी का सिलेबस देखेंगे संविधान का, तो ज़्यादा उसमें उसने टॉपिक को ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया है, मगर फिर भी जो जो टॉपिक उसने इंक्लूड किया है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। तो जिसमें से आज का एक जो टॉपिक है जो प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहले तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड किया हूँ, मैं आपको इसको दो पार्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक। पहले पार्ट में राष्ट्रपति और उसके पूरे आर्टिकल्स रिलेटेड मैटर बताऊंगा मैं, और जो इसका सेकेंड वीडियो बनेगा उसमें पूरे राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ठीक। क्योंकि यहाँ से ना दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक आपको आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्वेश्चन पूछ देगा और उसको बता देगा कौन से आर्टिकल में, और एक आपको क्वेश्चन को किसमें पूछ सकता है, कूट में पूछ सकता है या एकदम डीप जा सकता है। तो हम दो पार्ट में इसको पढ़ेंगे ताकि एक इजी लेवल पर आ जाए क्वेश्चन तो भी हमसे उचित बन जाए, और अगर वो हार्ड लेवल पर भी आए तो भी हमसे बन जाए, ठीक है। बस आप लोग को इतना करना है कि जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो आज का टॉपिक है हमारा, ये पूरा रटने वाला है, ये पूरा आर्टिकल है, ठीक है ना। तो इसको केवल आसानी से सिंपल तरीके से रटना है, ठीक है। इसके बाद का जो सेकंड वीडियो होगा वो समझने वाला टॉपिक होगा, उसको हम लोग पूरे एकदम डीप में जाएंगे, ताकि अगर, क्योंकि देखो संविधान से अगर देखोगे तो पार्ट लेसन 5 जो है, भाग 5 जो है वो यही है, यहीं से शुरू है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आपके संविधान के सिलेबस में भी यही टॉपिक दिया हुआ है, प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट दिया हुआ है, ठीक है ना, ओके। फिर उसके नीति निर्देशक तत्व तो सब कुछ आ रहा है इसमें, मतलब भाग 4 में लेकर के, तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे, कैसे बनेंगे, उन सबको अपन लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो शुरुआत में कर रहा हूँ इजी टॉपिक से, मतलब पूरे आर्टिकल से। तो आर्टिकल सिर्फ रटने वाला है, उसको अच्छे से रटिए, और उसमें जो जो चीज़ समझाने वाली होगी मैं उसको आगे समझाते चलूंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ, ठीक है ना, भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो चलो सबसे पहले राष्ट्रपति, ठीक है। तो देखो, हमें जब आज़ादी मिली थी, थोड़ा सा स्टोरी बता रहा हूँ एक, हमें जब आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद क्या हुआ था कि यहाँ पर वायसराय बनाया गया था, जो अंतिम वायसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक। उन्हीं को ही बनाया गया था भारत का पहला गवर्नर जनरल, मतलब एक तरीके से राष्ट्रपति लेवल पर पहुँचाया गया था उनको, जितना रैंक राष्ट्रपति का था वैसी उस प्रकार के उस रैंक पर पहुँचे हुए थे। उसके बाद एक भारतीय को, ठीक है ना, सौंप दिया गया स्वतंत्रता के बाद, वो बने भारत के पहले गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। इसके बाद जब संविधान बना, तो संविधान 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, इसको लागू किया गया। जब इसे लागू किया गया तो लागू करने के दो दिन पहले, मतलब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, और इस अंतिम बैठक में क्या किया गया कि राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया, राष्ट्रपति चुना गया। भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डेट था 24 जनवरी 1950, ठीक। मगर ये जो 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को जो राष्ट्रपति चुना गया था, इससे पहले ही क्या हो गया था, इससे पहले ही 16 मई 1949 को, ठीक, कब, 16 मई 1949 को क्या हुआ था कि हमने राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता ग्रहण की थी। राष्ट्रमंडल देश मतलब कॉमनवेल्थ कंट्री की हमने सदस्यता ग्रहण की थी। ये जो कॉमनवेल्थ कंट्री की जो हमने सदस्यता ग्रहण की थी, तो ये क्या था कि जितने भी देश थे जो पहले ब्रिटेन के गुलाम रह चुके थे या ब्रिटेन के उपनिवेशक थे, ठीक है ना, इन्हीं का एक संगठन बनाया गया, और इस संगठन में ये डिसाइड किया गया कि जो महारानी है, ठीक है ना, उसी को ही क्या बनाया गया, राष्ट्रमंडल देशों का प्रमुख, और अन्य राष्ट्र भी उसको अपना क्या माने, प्रमुख। मगर यहाँ पर हमने अपने संविधान में एक वर्ड यूज किया था, और वह था संप्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वर्ड, जो प्रभुत्व संपूर्ण संपन्न वर्ड जो हमने यूज किया था, और हमने गणराज्य वर्ड भी यूज किया था,
तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देश में किसी भी बाह्य शक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा, ठीक। और हमारा जो राष्ट्र प्रमुख होगा वो कैसा होगा, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा चुना जाएगा, मतलब ऐसा व्यक्ति होगा जिसका चुनाव होगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर कि हमने राष्ट्र मतलब देशों की सदस्यता तो ग्रहण की, मगर हमने अपनी रानी को मतलब ब्रिटेन की महारानी को अपना राष्ट्र प्रमुख मानने से इनकार कर दिया। और जब हमने इनकार किया तो हमने एक पद रखा और वह पद रहा राष्ट्रपति का, जो कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। भले अमेरिका में राष्ट्रपति का पावर अलग है, उसका चुनाव भी अलग है, उसका सारा चीज अलग है, मगर जो पद रखा हमने अमेरिका से ही क्या किया, उसको उठाया। और उठा करके हमने क्या लिया, हमने राष्ट्रपति रखा और हमने कहा कि हमारे देश का जो सबसे प्रमुख होगा, जो राष्ट्र का प्रमुख व्यक्ति होगा, उसका निर्वाचन होगा। और जिस राष्ट्र में किसी राष्ट्र प्रमुख का अगर निर्वाचन होता है तो वह राष्ट्र कहलाता है गणराज्य। तो ये डिसाइड हमने कर लिया था 16 मई 1949 को, ठीक है ना। और उसके बाद जब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से क्या चुन लिया गया, राष्ट्रपति चुन लिया गया, ठीक है। तो हमारा जो प्रशासनिक सिस्टम है, जो हमने संसदीय प्रणाली ली है, ठीक, कौन सा सिस्टम, संसदीय प्रणाली जो हमने लिया है वो लिया है कहाँ से, ब्रिटेन से। और इस संसदीय प्रणाली में हमने सबसे ऊपर रखा है राष्ट्रपति, फिर उसके बाद राज्यसभा और फिर लोकसभा, और इन तीनों को ही हम क्या बोलते हैं, संसद, पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हमने 16 मई 1949 को ही ये डिसाइड कर लिया था कि हमारे राष्ट्र का प्रमुख कौन होगा, एक निर्वाचित व्यक्ति होगा, भले वो निर्वाचन कैसा हो ये डिसाइड नहीं, भले वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कैसा भी हो, मगर वो कैसा होगा, एक निर्वाचित व्यक्ति होगा, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद जब हमने संविधान कंप्लीट किया तो हमारे संविधान के लेसन पार्ट मतलब भाग पांच में, ठीक, कौन सा भाग पांच में, ठीक। और ये भाग पांच कहां से कहां तक आर्टिकल है, 52 से 151 तक है, ठीक है ना, 52 से 151 तक का आर्टिकल है। और इसी भाग पांच में एक है आपका राष्ट्रपति, ठीक है, क्लियर। तो देखो मैंने क्या किया है कि राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है ना, ठीक है ना, मैं उन सबको एक साथ यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्लियर, ताकि इससे क्या हो कि राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल बनेंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, तो एक सिक्वेंस में हो जाएगा और हमको उसको याद करने में आसानी होगी, ठीक है ना, क्लियर, ओके। तो शुरुआत करता हूँ किससे, राष्ट्रपति के आर्टिकल से। देखो मैं पहली बोला कि आज की क्लास जो है एकदम सरल क्लास है, मतलब केवल आपको आर्टिकल याद करने हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को उसको समझना है, ठीक है, क्लियर, ओके। फिर उसके जो कल एक दूसरा जो वीडियो आएगा, ठीक है, जो एकदम हाई लेवल पर होगा, लेंथी होगा, जो क्या होगा, राष्ट्रपति से रिलेटेड होगा, दो वीडियो रहेंगे राष्ट्रपति के, ठीक है, क्लियर। तो देखो, तो भाग पांच में है आपका राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कैसे आया, कहाँ से बना, कब बना, ये मैं आपको बता दिया, ठीक। अब उससे रिलेटेड आर्टिकल, तो पहले उसके आर्टिकल को रट लेते हैं, बाकी फिर उसकी डिटेल को अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्लियर, पूरा डिटेल भी आएंगे, मगर पहले आर्टिकल रटो, क्योंकि मैंने बोला दो प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक रटने एक आर्टिकल से पूछ सकते हैं आपको कि कौन से आर्टिकल में क्या है, और एक आपको डीप क्वेश्चन या कूट वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो कूट के क्वेश्चन तब बनेंगे जब उस चीज को आप समझोगे, तो अभी समझा नहीं रहा हूं, केवल रटा रहा हूं, ठीक। चलो देखो, तो आर्टिकल 52, 53, 54, 55, ठीक, 56, 57, 58, 59, 60, 61 के बाद आपका आ जाएगा 71, 72, आर्टिकल 72, ठीक है ना। उसके बाद आर्टिकल 80, ठीक, फिर उसके बाद आर्टिकल 185, फिर आर्टिकल 87, फिर आर्टिकल 123, फिर आर्टिकल 131, ठीक है ना, फिर आर्टिकल 143, यहाँ से ये हो गया, और उधर आपातकाल वाला अलग। तो वो सब आर्टिकल जो है आपातकाल वाले, वो मैं जब शक्तियाँ बताऊंगा राष्ट्रपति की, तब हम लोग वहाँ पर उस आर्टिकल को देखेंगे। तो अभी फिलहाल वो आर्टिकल जो यहाँ पर लिखा हुआ है और जो राष्ट्रपति से सामान्यतः पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मैं केवल आर्टिकल लिखा हूँ और उसको रटते चलो। आर्टिकल 52, 52 नंबर का आर्टिकल बोलता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक, भारत का राष्ट्रपति
याद करते चलो, 52 में पहले याद कर लेते हैं फिर लिखते हैं अपन। 52 में भारत का राष्ट्रपति, 53 में, 53 में समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित। ठीक, एकदम शॉर्टकट में कीवर्ड याद करना है। 52 में भारत का राष्ट्रपति, 53 में समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित, 54 में निर्वाचक गण, ठीक, या इसी को बोल सकते हैं निर्वाचन मंडल, ठीक, और 55 में निर्वाचन प्रक्रिया, 54 में निर्वाचक मंडल और 55 में निर्वाचन प्रक्रिया। 52 भारत का राष्ट्रपति, 53 कार्यपालिका शक्ति, 54 निर्वाचन मंडल मतलब जो भाग लेंगे, 55 निर्वाचन नियम, ठीक, 56 उसका कार्यकाल और 57 पुनः नियुक्ति। ठीक, 52 राष्ट्रपति, 53 कार्यपालिका शक्ति, 54 निर्वाचन मंडल, 55 आपका क्या बोलते हैं निर्वाचन प्रक्रिया, 56 कार्यकाल, 57 पुनः नियुक्ति। ठीक, तो पहले 56 तक, 52 में राष्ट्रपति, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित, ठीक, उसके बाद 54 निर्वाचक मंडल, ठीक, फिर उसके बाद 55 निर्वाचन नियम, ठीक, और उसके बाद 56 कार्यकाल। ओके, ठीक है, क्लियर, ओके। फिर उसके बाद आ जाओ 57, 58, 59, 60, ठीक, फिर 71। तो 52 राष्ट्रपति, 53 कार्यपालिका शक्ति, 54 निर्वाचक मंडल, 55 निर्वाचन प्रक्रिया, 56 कार्यकाल, 57 पुनः नियुक्ति, ठीक, ओके, पुनः नियुक्ति, 58 योग्यता, 59 शर्तें, 60 शपथ और 61 महाभियोग। 60 शपथ और 61 महाभियोग, ठीक, आर्टिकल 61 लिखना भूल गया, ठीक है ना, क्लियर, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, हड़बड़ी में जल्दी करो तो हो जाता है, ठीक है, क्लियर। तो 52 राष्ट्रपति, 53 कार्यपालिका शक्ति, 54 निर्वाचक मंडल, 55 निर्वाचन नियम, 56 कार्यकाल, 57 आपका पुनः नियुक्ति, 58 योग्यता, 59 शर्ते, 60 शपथ और 61 महाभियोग, ठीक, 61 महाभियोग, क्लियर। तो 58 में योग्यता, 59 में शर्ते, 60 में शपथ और 61 में महाभियोग, ठीक, और 71 में है निर्वाचक से संबंधित विवाद, निर्वाचन से संबंधित विवाद, ठीक, बताऊंगा क्या होता है, पहले आर्टिकल याद रखो, ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं अपन फिर से, ठीक। तो पहले 52 भारत का राष्ट्रपति, 53 कार्यपालिका शक्ति, 54 निर्वाचक मंडल, 55 निर्वाचन प्रक्रिया, 56 उसका कार्यकाल, 57 पुनः नियुक्ति, 58 योग्यता, 59 शर्तें, 60 शपथ, 61 महाभियोग और 71 आपका हो जाएगा निर्वाचन से संबंधित विवाद या निर्वाचन विवाद, ठीक है ना, क्लियर, ओके। ये सिंपल आर्टिकल कंप्लीट, अब इसको अपन को पढ़ना है आगे में पूरा डीप में, ठीक है, ओके। चलिए देखो, अब राष्ट्रपति का और आर्टिकल है, सॉरी भूल गया था, ठीक है, 72, 80, 123, 143, यहाँ पर एक आर्टिकल और है और वो है आर्टिकल 131, ठीक, ओके। इसके दो आर्टिकल और है, एक है आर्टिकल 85, एक है 87, ये जो मैं शक्ति बताऊंगा राष्ट्रपति की तब अपन वहां देख लेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान, ठीक, ओके। फिर उसके बाद आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 में राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति, आर्टिकल 131 में लोकसभा में 2 सदस्यों की नियुक्ति, ठीक। फिर आर्टिकल 123 आपका राष्ट्रपति का अध्यादेश और आर्टिकल 143 राष्ट्रपति की सलाह सुप्रीम कोर्ट से, ठीक, क्लियर, ओके। देखो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं इसको, ठीक,
ठीक, एक बार फिर से रिपीट, 72 क्षमादान, राष्ट्रपति का क्षमा दान, ठीक, 80 राज्यसभा में 12 सदस्य की मनोनीत, ठीक, ओके, 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश ऑर्डिनेंस, फिर 131 राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत, ठीक, और 143 है राष्ट्रपति का सलाह लेना, कहां से, सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, क्लियर, ओके, तो एक बार बिना देखे सारे आर्टिकल को रटते हैं, ठीक, देखो, ठीक, मैं यहां लिख दे रहा हूं, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, ठीक, फिर 71, फिर 80, ठीक है, ओके, 71 के बाद 72, ठीक, 72, फिर उसके बाद 80, 80 के बाद 123, फिर 131, फिर उसके बाद 143, बाकी और इसके आपातकाल से भी रिलेटेड आर्टिकल है, मगर यहाँ उनको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा मिक्स हो जाएगा, ठीक, तो जब सख्ती पड़ेंगे ना, तब उसे आपातकाल को भी इसमें में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक, तो एक बार बिना देखे आर्टिकल रिपीट, तो 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा, 53 में समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित, 54 में निर्वाचक मंडल, 55 में निर्वाचन प्रक्रिया, ठीक, 56 में कार्यकाल, 57 में पुनर्नियुक्ति, 58 में योग्यता, 59 में शर्तें, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग, 71 में निर्वाचन संबंधित विवाद, 72 में क्षमादान, 80 में लोक राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति, 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश, 131 लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत, और 143 राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना, ठीक है, क्लियर, और अब इनको पढ़ना है डीप में, समझ में आया, एकदम आर्टिकल से क्वेश्चन आता है और उसको आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्लियर, चलिए देखो आगे, अब राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कैसे होता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक, क्लियर, आर्टिकल कौन सा है ये, 55, अप्रत्यक्ष रूप से, एक पॉइंट, दूसरा गुप्त मतदान, तीसरा एकल संक्रमणीय, ठीक, और चौथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व, देखो मैं सबको अलग अलग इसलिए देखा हूं ना, ठीक है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी चीज को अगर टुकड़ों में करके पढ़ोगे ना तो वो चीज जल्दी याद में आता है, अब मैं इसी को एक साथ जोड़ देता, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान, तो इतना मझौड़ा कौन याद करे, तो उसको टुकड़ों में बांट दो, चार तरीके से, पहला अप्रत्यक्ष गुप्त मतदान, एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रतिनिधित्व, याद हो गया सिंपल, ठीक, वहां मेरे को लिखना थोड़ी ना है, प्री है ना पेपर, ये प्री पेपर है, यहाँ पर मेरे को याद रखना है, क्लियर, ठीक, तो कैसे, चार तरीके में बांट दो, एकल संक्रमणी, फिर उसके बाद अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अप्रत्यक्ष और गुप्त, क्लियर, ठीक, क्या होता है आगे वो मैं बताऊंगा सब, एकल संक्रमणी क्या होता है और सब क्या होते हैं आगे मैं बताऊंगा, क्लियर, ठीक है, ओके, फिर देखो इसके बाद आ जाओ, यहाँ पर एक लिखा है निर्वाचन संशोधन अधिनियम, तो ये जो निर्वाचन संशोधन अधिनियम है ना, ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये दोनों के लिए है, ठीक, क्लियर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए है ये, ठीक है, क्लियर, यहां पर क्या किया गया था कि यहां पर एक डिसाइड किया गया था, डिसाइड ये किया गया था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित क्या किया गया था, एक अधिनियम लाया गया था जिसमें ये कहा गया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई उम्मीदवार, जैसे अभी जुलाई में होने वाला है 2022 में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है भारत में, ठीक है ना, 17 में हुआ था,
जब रामनाथ कोविंद बने थे, और अभी होने वाला 2022 में जुलाई के आसपास हो जाएगा हर हाल में, ठीक है ना, क्लियर। तो भारत के जो राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार होगा, जो भी उसके लिए खड़ा होगा, उसके लिए ये बनाया गया था। तो था तो ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के लिए। यहाँ पर ये कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए खड़ा है तो पहले तो ये कि उसके नाम पर 50 सदस्यों का क्या हो, प्रस्ताव लाए। कितने लोग? 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में हो, और वही 50 सदस्य क्या करें, उसको अनुमोदित करें। मतलब 50 लोगों की सहमति हो, मतलब 50 लोग नाम बताएं कि हाँ यार इस आदमी को क्या बनाओ, राष्ट्रपति का नाम इसके लिए अच्छा है, ठीक। और फिर 50 लोग क्या करें, उसको प्रूफ मतलब पारित कर दें, ठीक है। मतलब टोटल 50 प्रस्तावक की जरूरत है और 50 अनुमोदन की, ठीक है, तो ही उस व्यक्ति का नाम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में मान्य होगा, ठीक है। ये कहा गया था इस संशोधन अधिनियम में जो आया था 1997 में। और यहीं पर मैं उपराष्ट्रपति का भी बता देता हूं, और उपराष्ट्रपति के लिए कहा गया था कि 20 सदस्य प्रस्तावक के रूप में होंगे, मतलब उसका नाम प्रस्ताव करेंगे, और 20 सदस्य क्या होंगे, उसके नाम को अनुमोदित करेंगे, मतलब प्रूफ करेंगे, मतलब मान्यता देंगे, ठीक है, ओके। ये उपराष्ट्रपति के लिए था। एक पॉइंट और कहा गया था कि यहां पर 15,000 रुपए क्या होगा इनका जमानत राशि, कितना 15,000 रुपए दोनों के लिए, ठीक है। सिर्फ अंतर किसमें था, प्रस्तावक और अनुमोदन में। और इसके बाद एक बात और कहा गया था कि अगर कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए अगर कोई चुनाव लड़ रहा है, तो अगर कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का अगर 1/6 मत नहीं प्राप्त करता है, ठीक, अगर कुल वैध मतों का 1/6 मत नहीं प्राप्त करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त। मान लो टोटल, ठीक है ना, 240 वैध मत पड़े हैं, लीगल वोट कितना पड़ा है 240, तो 240 का 16, 6 × 6 = 24, मतलब उसको 40 मत क्या करना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इतना नहीं पाया है वो कुल वैध मतों का, तो उसकी जमानत राशि जब्त, मतलब 15,000 रुपए गया, ठीक, क्लियर। ये कहा गया था इस संशोधन अधिनियम में 1997 में जो आया, कि 50 उसके नाम के लिए प्रस्तावक होना चाहिए, 50 अनुमोदक होना चाहिए, 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में जमा करना पड़ेगा, और उसको कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त करना पड़ेगा। अगर इतना वो पा लिया तो ठीक है, ओके, क्लियर। ये रखा गया था इस अधिनियम के तहत, ठीक है। इसके बाद निर्वाचक मंडल, देखो एक बार ना आर्टिकल को मैं यहाँ पर फिर से ला रहा हूँ। एक है आपका आर्टिकल 52, ये बोला है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है ना, जो भारत का प्रथम नागरिक होगा, जो भारत में राष्ट्र का प्रमुख होगा, ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक भी होगा और राष्ट्र का प्रमुख होगा, पहला बात। दूसरा बात है आपका आर्टिकल 53, ये कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित, किसमें निहित, राष्ट्रपति में। मगर याद रखो, कार्यपालिका शक्ति कहने का मतलब दो प्रकार की शक्ति है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक शक्ति, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति में जो शक्तियां होंगी वो कैसी शक्तियां होंगी, नाम मात्र की। राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है, कार्यपालिका प्रमुख, ठीक है ना। 42वां संविधान संशोधन से पहले राष्ट्रपति के पास बहुत अधिकार थे, ठीक, मगर संशोधन करके उसके अधिकारों को घटा दिया गया। मतलब ये कह सकते हैं अपन कि जैसे सरोजिनी नायडू बहुत अच्छा स्टेटमेंट देती हैं, किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। वो बोलती हैं कि राष्ट्रपति सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया है, जिसके पास सुविधाएं तो हैं, जो उड़ना तो चाहती है मगर उड़ नहीं चाहती, मतलब उड़ नहीं पाती, ठीक। अगर अपन देखते हैं, ठीक है ना, तो जहां तक लगभग 300 के आसपास कमरे हैं, किसमें, राष्ट्रपति भवन में लगभग, ठीक, ओके। और शरीर में 206 हड्डियां, मतलब हमारे शरीर से ज्यादा वहां पर भवन है, रूम किराया है,
ठीक। और राष्ट्रपति अगर रहते भी हैं तो कितने लोग रहेंगे, मान लो राष्ट्रपति कोई है, जैसे रामनाथ कोविंद जी है, भारत के राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति हैं वो, तो रामनाथ कोविंद जी अगर अपनी पत्नी के साथ वहाँ रहते भी हैं तो मैक्सिमम कितने सदस्यों के साथ रहते होंगे, ज़्यादा ज़्यादा वो उनकी पत्नी और उनके स्टाफ लोग होंगे, ठीक ओके। तो वो तो अलग है, उनके लिए तो अलग ही होगा, क्लियर। और लगभग फिर उनके बच्चे, क्लियर। फिर भी इतनी सारी सुविधाएं उनको, लगभग 5 लाख रुपए उनको महीना सैलरी मिलता है, राष्ट्रपति की सैलरी है लगभग 5 लाख रुपए, क्लियर। मतलब सालाना उनकी इनकम है 60 लाख रुपए, ठीक। अब 5 साल में लगभग 3 करोड़ रुपए उनकी इनकम हो जाएगी, मगर वो 5 लाख रुपए जो महीना उनकी सैलरी है, ठीक है ना, तो उस 5 लाख रुपए में उनका खर्चा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब सुविधाएं भरमार है, सब कुछ है, मगर उसको यूज नहीं कर सकते। तो सही में सोने में, सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया ही है, जिसको उड़ना तो है मगर वो उड़ नहीं पाती, क्लियर ओके। तो राष्ट्रपति जो होता है हमारे देश का, एक तो राष्ट्र प्रमुख है, प्रथम नागरिक है, तो सारे जितने भी काम होंगे किसके परमिशन, किसके नाम से होंगे, राष्ट्रपति के नाम से होंगे, मगर मेन रूप से वो कार्यपालिका प्रमुख नहीं होता, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 53 के तहत क्या है, एक नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है वो, ठीक है, क्लियर ओके। इसके बाद है आर्टिकल 54, तो आर्टिकल 54 है, यही आपका है निर्वाचक मंडल, ठीक है ना, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन होगा। तो देखो, याद रखो, सदस्य जो होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के, सदस्य कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के सदस्य होते हैं, बोलेंगे तो ऐसे बहुत सारे प्रकार के हैं, मगर मेन दो प्रकार के, एक है आपका निर्वाचित सदस्य, ठीक, एक है आपके निर्वाचित सदस्य होंगे, ठीक है ना ओके, और एक होंगे आपके मनोनीत सदस्य। ध्यान देना इसको, थोड़ा कंफ्यूज करता है ये, क्लियर ओके। तो एक होगा आपका निर्वाचित सदस्य और एक होता है मनोनीत सदस्य। निर्वाचित सदस्य मतलब वो जिसका चुनाव हुआ हो, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो, और मनोनीत सदस्य मतलब जिसको चुना जाए, ठीक है ना, जिसको चुना जाता है, ठीक है ना ओके। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, ठीक है, तो देखो, ठीक ओके। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, पहला लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, शब्द ध्यान देना, मैंने लिखा है निर्वाचित, पहला। दूसरा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक। तीसरा राज्य विधानसभा के, मतलब राज्यों के विधानसभा, जो विधानमंडल नहीं बोल रहा हूं मैं, विधानसभा बोल रहा हूं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक। और चौथा, चौथा थोड़ा ध्यान देना, चौथा क्या है, चौथा ये बोल रहा है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मतलब दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। मगर याद रखना, पहले ये था बस, एक लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य मतलब लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, पहले सिर्फ यहां तक था। क्या किया गया कि 70वां संविधान संशोधन, 70वां मतलब 17 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो लाया गया था 1992 में, इसमें यह कहा गया कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जहां विधानसभा है और पांडिचेरी जहां विधानसभा है, वहां के निर्वाचित सदस्य भी अब क्या करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, और ये एक अमेंडमेंट के तहत क्या किया गया, शामिल किया गया, ठीक है ना। तो 17 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जो 1992 में लाया गया था, इसके तहत दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य भी क्या किए गए, राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किए गए, ठीक है, क्लियर ओके।
तो कौन कौन? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। याद रखना मैंने विधानसभा लिखा है। एक होता है आपका विधानमंडल, ठीक, ओके। तो विधानमंडल बोलने से क्या हो जाएगा? विधानमंडल बोलने से यहां पर आ जाएगा आपका राज्यपाल, ठीक। एक आ जाएगा विधानसभा, ठीक, और एक आ जाएगा विधान परिषद, ठीक। तो विधान परिषद नहीं, ठीक, विधान मंडल नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या, विधान सभा, ठीक है ना। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। और 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब 70 संविधान संशोधन, जिसके तहत क्या किया गया 1982 में कि दिल्ली और पौंडीचेरी के निर्वाचित सदस्य, मतलब विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया, ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये होते हैं उसके निर्वाचक मंडल। अब आ जाओ निर्वाचन प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया का है आर्टिकल 55। तो कैसा होगा इसका निर्वाचन प्रक्रिया? तो याद रखो इसका निर्वाचन प्रक्रिया है अप्रत्यक्ष रूप से, गुप्त मतदान द्वारा, एकल संक्रमणीय, अनुपातिक पद्धति द्वारा, ठीक है ना, ठीक। ये क्या है, ठीक, अप्रत्यक्ष तो समझ गए, क्लियर, ठीक, ओके, अप्रत्यक्ष समझ गए, ठीक है। इसके बाद ये एक होता है आपका गुप्त मतदान, ठीक है। गुप्त मतदान कहने का मतलब ये हो जाएगा कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई जाके मतदान कर रहा है तो वो बताएगा नहीं कि मैंने इसको वोट दिया है, क्यों। जैसे हम लोग मान लो लोकसभा का चुनाव होता है, राज्य विधानसभा का चुनाव होता है, तो हम बता देते हैं ना आकर के बाहर कि मैंने तो कमल छाप को वोट दिया, मैंने तो पंजा को वोट दिया, मैंने फलाना आदमी को वोट दिया, मेरे साइड से खड़ा था वो, हमारे जात का है, हमारे धर्म का है, तो मैंने उसको वोट दिया, तो हम नाम बता देते हैं, ठीक। मगर राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा कुछ नहीं है, आप बताओगे ही नहीं कि आपने किसको वोट दिया है, वो पूरा गुप्त रखा जाता है, ठीक है ना, क्लियर, ओके। तो अप्रत्यक्ष रूप से और गुप्त मतदान के द्वारा, ठीक है ना। देखो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष ही क्यों चुना गया, ठीक है, क्लियर। तो अप्रत्यक्ष चुनने का रीजन ये था कि हमने देखा जब हम आजाद हुए तो हमारे पास ऑप्शन ये था कि या तो हम अभी भी महारानी के संरक्षण में शासन करें, ठीक, क्लियर, और दूसरा या तो हम अपने लिए कोई नई व्यवस्था बनाएं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि राष्ट्रपति का चुनाव अगर प्रत्यक्ष रूप से हो जाता, ठीक है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये था कि एक व्यक्ति के चुनाव के लिए एक तो जनसंख्या भी बहुत ज्यादा, ठीक, क्लियर, और अगर एक व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से अगर चुना जाता तो यहाँ पर राजनीतिक भेदभाव भी पैदा हो जाता, क्योंकि वह एक पर्टिकुलर राजनीति से रिलेटेड हो जाता, राजनीतिक पार्टी से रिलेटेड व्यक्ति हो जाता, ठीक है ना, ओके, क्लियर। तो इतनी बड़ी जनता के द्वारा एक तो वोट करना, ठीक, तो इसमें समय भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद, ठीक, और दूसरा एक राजनीतिक विशेष का व्यक्ति खड़ा हो जाता, ठीक है ना, ओके। तो जनता के द्वारा एक राजनीतिक विशेष को खड़ा करके जिता दिया जाता, तो पूरा उसका पावर उस राजनीतिक पार्टी की तरफ हो जाता। और राष्ट्रपति की गरिमा और पद यह है कि राष्ट्रपति जो होगा वो राष्ट्र का प्रमुख होगा, भारत का प्रथम नागरिक होगा, वो किसी राजनीतिक पार्टी से रिलेटेड नहीं होगा, मतलब पद को ग्रहण करने के बाद, क्लियर। और अगर जनता चुनती तो जनता मान लो भाजपा के व्यक्ति को जिताती तो पूरा का पूरा राजनीतिक पार्टी किसमें इंक्लूड हो जाता, आपके राष्ट्रपति के चुनाव में इंक्लूड हो जाता, क्लियर। तो खर्चा भी हो जाता ज्यादा, समय भी वेस्ट होता, और इतनी बड़ी जनसंख्या को एक पद के लिए चुनाव के लिए शामिल करना ये बहुत ही मुश्किल काम था। तो इसी कारण हमने क्या चुना कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा, और अप्रत्यक्ष रूप से इसमें भाग कौन लेगा, इसमें भाग लेंगे जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, ठीक, ये क्या करेंगे इसके चुनाव में भाग लेंगे, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि क्या करेंगे इसके चुनाव में भाग लेंगे, ठीक है, ओके।
अब इसके बाद है आपका अनुपातिक एकल संक्रमणीय और अनुपातिक पद्धति द्वारा। तो यहां पर हमने क्या रखा है कि भारत क्या है, एक संघात्मक संघ शासित वाला देश है। मतलब भारत किससे मिलकर बना है, राज्यों के संघ का समूह है, ये राज्यों के संघ से मिलकर के बना है वो। तो सभी को समान और एकल अनुपात के तहत समानता के अधिकार में राज्य, मतलब केंद्र और राज्यों को एक समान रखना, इसलिए रखा गया एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति, कि सबका अनुपात कैसा हो, एक जैसा हो और कैसा हो, समान हो। ठीक है, तो कैसा हो, तो यहाँ पर क्या किया गया कि यहाँ पर इस चुनाव में क्या किया गया कि विधायक का मत ओके और सांसद का मत, ये दोनों को ही शामिल करके क्या किया गया, राष्ट्रपति के लिए एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति को चुना गया। ठीक है ना, तो यहां पर एक विधायक के मत की वैल्यू निकाली जाती है, उसके बाद उसके चुनाव में शामिल करते हैं, और उसके बाद सांसद के मत की वैल्यू निकाली जाती है। तो विधायक के मत की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, ठीक, देखो विधायक के मत की वैल्यू ना, तो यहां पर विधायक के मत की वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे, तो पहले निकालेंगे राज्य की जनसंख्या, कुल जनसंख्या बटे, ठीक, राज्य के कुल निर्वाचित, राज्य के मतलब राज्य विधानसभा के, राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या, फिर को मैं इसको इधर लिखता हूं, थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा ये, ठीक, मैं यहां लिखता हूं इसको। देखो विधायक का मत का कैसे निकलेगा, राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक, बटे राज्य विधानसभा के राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या, इंटू 1000, 1000। तो इससे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी एक विधायक की, ठीक, क्लियर, कि राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 1000, ठीक है ना, क्लियर। तो मान लो किसी राज्य के जनसंख्या कितनी है, मान लो किसी राज्य की जनसंख्या है 100, मान लो, ठीक है ना, ओके, और राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित, ठीक है ना, सदस्यों की संख्या कितनी है, मान लो कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 20, ठीक है, तो ये वैल्यू कैसे निकल जाएगी, ये वैल्यू ऐसे निकल जाएगी, ये कटा ये 0 कटा, 2 × 5 = 10, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 5000। तो एक विधायक के मत का मूल्य कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, ठीक है ना, इमें मान लो मैंने बोला लगभग ऐसे निकालेंगे कि राज्य की कुल जनसंख्या रखेंगे, फिर उसके बाद राज्य के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ठीक है ना, तो मान लो 20 है, इंटू 1000, तो इससे निकल जाएगा एक विधायक का मूल। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो जनसंख्या रखा गया है इसको माना गया था 1971 की जनगणना के अनुसार, ये कहा गया था कि सन 2000 तक, मतलब सन 2000 तक, जब तक उसके बाद जब तक पहली जनगणना नहीं हो जाती तब तक राष्ट्रपति के चुनाव में जनसंख्या का जो आधार रहेगा वो रहेगा 1971 की जनगणना, और 2000 के बाद क्या ले जाएगी उसको आगे बढ़ाया जाएगा, मतलब 2000 के बाद जितनी भी जो भी पहली जनगणना होगी उसको आधार मानेंगे। मगर उसके बाद क्या किया गया, बाद में इसको फिर से चेंज किया गया 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 में, और जिसके तहत ये कहा गया कि ये अब जो परंपरा है वो 2026 तक आगे रहेगी। मतलब राष्ट्रपति के लिए जो जनसंख्या है उसका आधार वर्ष क्या है, 1971 है, ठीक, 1971 को क्या माना गया है, आधार वर्ष माना गया था, ठीक है ना, क्लियर, ओके। तो ये हो गया आपके एक विधायक का मत। अब एक सांसद का मत कैसे निकालते हैं, ठीक, तो एक सांसद का मत कैसे निकालेंगे कि भाग कुल
राज्यों के निर्वाचित विधायकों के मत का मूल्य बटे लोकसभा व राज्यसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या। ठीक, ये जो सिस्टम था वो इसलिए अपनाया गया जिससे राज्य को भी क्या मिले, बराबरी का हक मिले। ठीक है ना, इसी कारण ये सिस्टम अपनाया गया कि एक विधायक का मत निकाले और एक सांसद का मत निकाले। तो विधायक के मत के लिए क्या परंपरा है कि राज्य की कुल जनसंख्या बटे उस राज्य के कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या इंटू 1000। फिर एक सांसद का मूल्य निकाले कि भारत के जितने राज्य हैं और उस जितने राज्य में जितने भी निर्वाचित विधायक हैं उनके मतों का मूल्य, उनके मतों का कुल मूल्य का योग बटे कुल लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। इसको डिवाइड करके क्या करा जाता है कि राज्य पूरा एक विधायक और एक सांसद के मत का मूल निकाला जाता है। जब ये निकल जाता है तो इसके बाद क्या किया गया है कि इसके बाद ये कहा गया है कि इसके पश्चात क्या होता है, शुरू होता है वोटिंग करना। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि राष्ट्रपति, अगर किसी उम्मीदवार को भारत का राष्ट्रपति बनना है तो उसको कुल वैध मतों का 50+ मत क्या करना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा। मतलब आधे से अधिक मत उसको क्या करने पड़ेंगे, प्राप्त करने पड़ेंगे, तभी क्या होगा, वो क्या बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, क्लियर। तो इतना सब करने के बाद भी अगर राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो पाता है तो क्या कहते हैं, जैसे मान लो तीन लोग खड़े हैं, ठीक है ना, तीन लोग खड़े हैं और तीन लोग में हमको चाहिए 50% से ज्यादा, मतलब 50+ वोट चाहिए। तो मान लो पहला उम्मीदवार है उसको भी नहीं मिला, वो 50 क्रॉस नहीं किया, दूसरा उम्मीदवार है वो उसको भी नहीं मिला, वो भी 50 क्रॉस नहीं किया, तो क्या करते हैं, जो सबसे कम पाया होता है, जो अंतिम उम्मीदवार होता है उसको क्या कर देते हैं, क्या करेंगे, उसको पराजित घोषित कर देंगे, मतलब उसको हारा हुआ मान लेंगे और उसके मत को क्या करेंगे, पहले और दूसरे के मत में डिवाइड कर देंगे। और अगर इसके पश्चात, इसी को बोलते हैं द्वितीय वाचन, ठीक है ना, इसी को बोला जाता है दूसरा दौर। तो यहां पर अगर पहले वाले को मिल गया वोट 50+ तो वो क्या बन जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है। फिलहाल इस टाइप का जो है केस एक ही बार हुआ है, अभी तक दूसरा बार दूसरा वाचन नहीं हुआ है, ठीक है ना, और वो भी हुआ था नीलम संजीव रेड्डी और वीवी गिरी के केस में, ठीक है ना, क्लियर, ओके। तो दूसरे दौर की वाचन शुरू हुई थी जिसमें क्या किया गया था कि लास्ट उम्मीदवार का मत को पहले और दूसरे में डिवाइड किया गया था, बांटा गया था वरीयता के क्रम पर, ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये आपका क्या था, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। ठीक, ठीक है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो कार्यकाल है उसका कितना, पद ग्रहण करने के 5 साल तक, सिंपल, मतलब जिस दिन पद ग्रहण करेगा, पद की शपथ लेगा उस दिन से 5 साल तक। और यहाँ पर एक बात यह है, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का पद है वो कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं, मगर अमेरिका में नियम यह है कि एक कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, मतलब उसका कार्यकाल कितना, 2 बार का बस हो सकता है, मगर हमारे यहाँ ऐसा है कि जब तक है जान, ठीक, मतलब जब तक जिंदा रहेंगे तब तक राष्ट्रपति बन सकते हैं। अगर आप एक बार राष्ट्रपति बन गए तो आप क्या करो, आप फिर से राष्ट्रपति बनो, फिर से राष्ट्रपति बनो, फिर से राष्ट्रपति बनो, तो जब तक आप जिंदा रह सकते हो तब तक आप राष्ट्रपति बन सकते हो। मतलब हमारे यहाँ कोई भी सीमा या कोई भी टाइम डिसाइड नहीं किया गया, अनलिमिटेड फ्री है ये, ठीक, अनलिमिटेड कॉल की तरह फ्री है ये, कौन सा, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है ना, मतलब पुनः निर्वाचन, क्लियर, ठीक, ओके। तो क्या है पुनः नियुक्ति, क्या है समय सीमा निर्धारित नहीं, मतलब कोई लिमिट नहीं है इसकी, जितनी बार चाहो उतनी बार राष्ट्रपति बन सकते हो। ठीक, ये हो गया राष्ट्रपति का कार्यकाल, ओके। इसके बाद ठीक, सॉरी एक मिनट, इसके कार्यकाल का क्या है आपका, ठीक, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन से आर्टिकल में है, 56 में है, और राष्ट्रपति का पुनः नियुक्ति कौन से आर्टिकल में है, 57 में है, ठीक है, ओके। इसके बाद आता है राष्ट्रपति की योग्यता और शर्तें, तो राष्ट्रपति की योग्यता है वो है आर्टिकल आपका 58। तो राष्ट्रपति बनने के लिए आप में कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, तो पहली योग्यता सबसे इंपॉर्टेंट कि भारत का क्या हो,
नागरिक। ठीक, दूसरा योग्यता क्या है कि उसकी उम्र 35 वर्ष या उससे अधिक। तीसरी योग्यता क्या है, लाभ के पद पर ना हो। और चौथी योग्यता क्या है कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो। देखो, राष्ट्रपति की योग्यता में ना एक और पॉइंट इंक्लूड नहीं किया गया है और वो है आपका पागल और दिवालियापन। चूंकि ये भारत का सर्वप्रमुख संवैधानिक पद है, राष्ट्र का प्रमुख होता है, राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है, तो पागल और दिवालिया वर्ड यूज करके इस पद की गरिमा को क्या नहीं करना, कम नहीं किया जा सकता। इसी कारण यहाँ पर राष्ट्रपति के योग्यता में पागल और दिवालिया वर्ड का यूज नहीं किया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर एक वर्ड है लाभ का पद धारण ना करता हो। तो पहली बात तो यह है कि लाभ का पद क्या है, कैसे है, ये एकदम क्लियर नहीं है। मगर हाँ, फिर भी कुछ पद ऐसे हैं जिनको कहा गया है कि लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते। तो राज्यपाल का पद, उपराष्ट्रपति का पद, मंत्री पद, कोई भी मंत्री पद, ये तीनों को लाभ के पद के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। मतलब अगर कोई राज्यपाल है तो भी वो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है, उपराष्ट्रपति है तो भी लड़ सकता है, अगर कोई मंत्री है तो भी राष्ट्रपति का पद लड़ सकता है। मतलब वो लाभ के पद के अंतर्गत नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, क्लियर। तो लाभ के पद के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, मतलब इसके लिए कहा गया कि कोई भी पद लाभ का पद होगा निर्धारित करेगा राष्ट्रपति, निर्धारित करेगा। और राष्ट्रपति कैसे निर्धारित करेगा, तो कोई पद लाभ का पद है या नहीं, राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर निर्धारित करेगा। ठीक है ना, क्लियर। मगर तीन ऐसे पद हैं जिनको लाभ के पद के में शामिल नहीं करते, एक राज्यपाल का, एक उपराष्ट्रपति का और एक मंत्री का पद। ठीक है ना, क्लियर। चाहे वो कोई भी मंत्री हो, चाहे केंद्र का मंत्री हो, चाहे वो राज्य का मंत्री हो, ठीक है, चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो, ठीक है, उसको शामिल नहीं करते लाभ के पद में। क्लियर, ओके। तो ये हो गई आपकी योग्यता। ठीक, और शर्तें, शर्तें तो ये है इसका आर्टिकल 59 की, जो भी कहा गया है उसके लिए नियम जो भी है उस सबको क्या करे, फॉलो करे, कि योग्यता जो कहा गया है उस योग्यता को फुलफिल करे। ठीक है ना, जैसे उसके नियम है निर्वाचन के, उन सारी चीजों को क्या करे, वो फुलफिल करे। ठीक, तो ये उसका क्या है, आपका योग्यता, सॉरी उसकी शर्तें। ठीक, उसके बाद आ जाता है राष्ट्रपति का शपथ। तो देखो, राष्ट्रपति का शपथ है आपका आर्टिकल 60 में। ठीक, राष्ट्रपति संविधान की शपथ लेता है, मतलब एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो संविधान के रक्षा का शपथ लेता है। ठीक, बाकी जो भी होते हैं वो संविधान की रक्षा का शपथ नहीं लेते, वो क्या बोलते हैं कि मैं नरेंद्र दामोदर मोदी, मैं संविधान को साक्षी मानकर, ईश्वर को साक्षी मानकर के शपथ लेता हूं कि मैं संविधान के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करूंगा। ठीक, वो बोलता है नियमों का पालन करूंगा, मगर राष्ट्रपति बोलता है कि मैं संविधान की रक्षा प्रतिरक्षा करूंगा। मतलब संविधान की रक्षा करने का शपथ लेने वाला एकमात्र संवैधानिक पद है और वो है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है, संविधान की रक्षा का शपथ लेता है। वो संविधान के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन तो करेगा ही, बट मगर वो सबसे पहले क्या शपथ लेता है कि संविधान की रक्षा का शपथ लेता है वो। ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये आपका हो गया भारत के राष्ट्रपति का शपथ। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो वो है आपका आर्टिकल 71 में। ठीक, वो है आपका आर्टिकल 61 में। ठीक है ना, ओके। इंपीचमेंट, ठीक है ना, ओके। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है, मतलब उसको उसके पद से हटाना। ठीक, उसके कार्यकाल के दौरान उसको उससे पद से हटाने के लिए जो लाया गया था प्रक्रिया, उसी को कहा जाता है महाभियोग कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर, ओके। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, देखो मैं आपको बोला हूं ना कि हम लोग एकदम मतलब सरल तरीके से उस चीज को पढ़ेंगे कि कहां से वो क्वेश्चन आया और वो क्वेश्चन कैसे बनेगा।
ठीक है ना। ओके, मैं राष्ट्रपति के लिए आपको दो वीडियो दूंगा, एक मैं आपको केवल आर्टिकल और उसके थोड़े बहुत डिटेल बताऊंगा, और दूसरा जो वीडियो होगा वो पूरा का पूरा आपका राष्ट्रपति का पूरा डिटेलिंग होगा वो, ठीक है ना, क्लियर। ओके, तो यहाँ पर इसको केवल अभी अपन इतना ही पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है ना, और ये महाभियोग क्या है, कैसे लाते हैं, कैसे उसको क्लियर किया जाता है, ये सारा डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये महाभियोग, क्लियर, इसको लाने का प्रक्रिया है, ठीक, और कैसे उसको यूज करना है। बस अभी आप यहाँ पर इतना याद रखो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो प्रक्रिया है वह संसद की अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ठीक, क्लियर, और इससे रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग एंड प्लस जो आर्टिकल बचे हैं अपने वो पूरे राष्ट्रपति की शक्ति से रिलेटेड है, तो अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो महाभियोग एंड प्लस राष्ट्रपति की शक्तियां और उसके कार्य, ये तीनों से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। ओके, समझ में आ रहा है, ठीक। तो इतना अपन को क्या करना है, पढ़ना है, धीरे धीरे लेकर के चलोगे और अच्छे से लेकर के चलोगे तो समझ में जल्दी से आएगा, ठीक है ना। एक बार अपन बैक आते हैं और उसको रिविजन करते हैं ताकि हम लोग को क्या हो, वो चीज रिकॉल हो जाए, ठीक। तो चलिए शुरू से एक बार रिकॉल कर लेते हैं अपन, देखो, ठीक, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या है आपका, कि हमने 16 मई 1949 को राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली, मतलब कॉमनवेल्थ कंट्रीज की हमने सदस्यता ली, और हमने एक महारानी की अधीनता को स्वीकार करने के बदले हमने राष्ट्रपति को चुना, और ये राष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है, सिर्फ पद लिया है, उसकी शक्ति अधिकार कुछ नहीं, ठीक है, क्लियर, ठीक। उसके बाद 52 नंबर, ठीक है, ये आपके भाग पाँच में है, और भाग पाँच में आपका संघ का है, नाम है संघ है, और ये आर्टिकल 52 से 151 तक है। तो 52 में भारत का राष्ट्रपति, 53 में कार्यपालिका शक्ति, 54 में आपका निर्वाचक मंडल, 55 में निर्वाचन प्रक्रिया, 56 में कार्यकाल, 57 में आपका क्या बोलते हैं पुनः नियुक्ति, 58 में योग्यता, 59 में शर्तें, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग, ठीक, 71 में आपका निर्वाचन से संबंधित विवाद, फिर 72 में क्षमादान, 80 में राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति, फिर उसके बाद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश, फिर 131 में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत करना लोकसभा में, ठीक है ना, और उसके बाद आपका आर्टिकल 143 क्या है, राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना, क्लियर, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद राष्ट्रपति निर्वाचन कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, गुप्त मतदान, एकल संक्रमणी अनुपातिक पद्धति द्वारा। फिर इसके बाद एक निर्वाचन संशोधन भी हम लाया गया 1987 में, जिसमें राष्ट्रपति के लिए 50 सदस्यों का प्रस्ताव के रूप में और 50 सदस्य अनुमोदन के रूप में मान्य किया गया, और इसके बाद कहा गया कि कोई व्यक्ति 15,000 रुपये राशि रखी गई, और कहा गया कि कुल वैध मतों का 1/6 मत पाना जरूरी है, अगर इतना नहीं पाएगा तो उसकी जमानत जब्त, ठीक, क्लियर, और उपराष्ट्रपति के लिए 2020 रखा गया, ठीक है। उसके बाद निर्वाचक मंडल, तो इसमें निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। बाद में ये किया गया कि केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पौंडीचेरी को शामिल किया गया, 17 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1992 में आया, जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया, ठीक है ना, क्लियर, ओके। फिर उसके बाद निर्वाचन प्रक्रिया, तो बताया मैं आपको कैसे होता है। इसके बाद इसमें जनता के द्वारा एक विधायक का मत चुना जाता है, तो विधायक का मत कैसे निकालते हैं, राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या × 1000, और एक सांसद का मत कैसे निकालते हैं, तो कुल राज्यों के निर्वाचित विधायकों का मतों का मूल्य बटे लोकसभा राज्यसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ठीक है ना, ओके। उसके बाद कार्यकाल 5 साल, पुनः नियुक्ति जब तक है जान, मतलब जब तक रह सकते हैं राष्ट्रपति रह सकता है, ठीक है। फिर उसकी योग्यता, तो योग्यता में ये कहा गया कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु या उससे अधिक हो, लाभ के पद पर ना हो, तो लाभ के पद में को में किसको शामिल नहीं किया गया है, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और मंत्रियों को शामिल नहीं किया गया, ठीक। और लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता, तो उसकी योग्यता में क्या शामिल नहीं है, उसकी योग्यता में पागल और दिवालिया वर्ड को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है ना। और उसके 60 में उसका शपथ, तो राष्ट्रपति एकमात्र संवैधानिक प्रमुख ऐसा है जो संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, ठीक है ना, ओके, कि मैं संविधान की क्या करूंगा, रक्षा करूंगा, ठीक। और उसके बाद आर्टिकल 61, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो महाभियोग ये लिया गया है कहाँ से, अमेरिका से है, मगर ये कैसा है, संसद की अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है, क्लियर। तो इतना आज की क्लास के लिए काफी है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
ठीक, दो वीडियो में आपको पूरे राष्ट्रपति समझ में आ जाएंगे। इसके रिलेटेड आपको एमसीक्यू भी दो वीडियो में मिलेंगे, ठीक है ना। उस एमसीक्यू को भी दो वीडियो में डिवाइड किया हूं, एक आर्टिकल से रिलेटेड है और एक क्या बोलते हैं उसके पूरे कोड से रिलेटेड है, मतलब ज्यादा डीप क्वेश्चन है, ताकि हमसे अगर यहां से कोई क्वेश्चन आए तो हमसे ना छूटे, ठीक है, क्लियर, ओके। ठीक, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक, और नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रपति पर महाभियोग और उसकी शक्तियों से संबंधित उस बातों में चर्चा करेंगे, ठीक है, क्लियर, ओके, थैंक यू सो मच।